जो भी देख रहे हैं सामने, मेष कर्क लगन की कुंडली मैंने लगाई है, ठीक, स्त्री जाति का है। और यहाँ पर हम जो चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे वो बात करेंगे बेसिकली मकर राशि की। और मकर राशि में अगर आप खास बात देखें तो वहां गया है चंद्रमा लग्नेश होकर, ठीक, ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बता रहा हूं। बेसिकली कर्क का लगन है, मकर राशि है और मकर ही लगन भी है, मतलब सात में घर का। हम मकर राशि की बात करेंगे सीखने के लिए। क्यों मैंने ये कुंडली चुनी, रीजन दे देता हूं। इस कुंडली में क्वालिटी है कि लग्नेश सप्तम में गया है और सप्तमेश उच्च का है, देख मुझे रोटी रहे हैं आप सब, खानी चाहिए। ठीक है, सबको दिख रहा है ना। जी सर। लग्नेश का सप्तम में जाना शास्त्रों में बोला है ये द्वि विवाह योग है, राइट। और जी क्योंकि लग्नेश चंद्रमा होके लग्न को देख रहा है तो आप खूबसूरत बहुत है फीमेल, वैसे मैंने बता दिया, ठीक। अभी हम देखेंगे सिर्फ इन चीजों से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे ये कौन हो सकता है ना। तो पहली बात, खूबसूरती बहुत जबरदस्त है, स्वयं मर्दों के पास जाना पसंद करती है, बिकॉज लग्नेश इज इन सेवेंथ हाउस, यानी आप खुद अपॉर्चुनिस्टिस्ट हैं कि आपको मौका मिले अच्छे से अच्छा आदमी आप पकड़ लें। यहां तक किसी को कोई डाउट है कुंडली खोलने में, एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, ठीक, किसी को भी डाउट है फौरन हाथ खड़ा करो पूछ लो, क्योंकि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी कि हम कुंडली को कैसे डिकोड कर रहे हैं, ठीक। किसी को भी कोई डाउट है, दिशा जी, नूतन जी, सुभाष जी, दीपशिखा, सर, इसमें आपने बस ये बताया ना जी कि एक तो वो बड़ी खूबसूरत है जो भी है या खूबसूरत है, और दो विवाह की मैंने योग है। मैंने पांच बातें बताई हैं। पहली बात, लगन लॉर्ड इज इन सेवेंथ हाउस, जो कि शास्त्र बताते हैं द्वि विवाह योग बनेगा, क्लियर। दूसरी बात, ठीक है लग्नेश जी। लगन को देख रहा है, यानी आप बहुत खूबसूरत हैं बिकॉज आपका शरीर अच्छा है, क्योंकि वो अपने ऊपर को देख रहा है। और चंद्रमा इज ए सोम राशि है ना, सोम मतलब सौम्य ग्रह, प्लस जी आप खुद चलकर सेवेंथ हाउस में जाते हैं, यानी आप दूसरे व्यक्तियों पे मिलना पसंद करते हैं अपोजिट्स पे खासतौर से, यानी आप मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, सीधी सी बात, क्लियर, अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक। ये तो हो गई इसकी बात, जी एक से ज्यादा अफेयर हो सकते हैं, एक से ज्यादा शादी हो सकती है, क्लियर हो गया मामला, सिर्फ हम जी बना रहे हैं अभी, देख लेना। अब आगे चलो भाई साहब, सेवेंथ लॉर्ड उच्च का है, रेट्रो है, क्या सेवेंथ बताता है, लॉर्ड क्या बताता है सेवेंथ लॉर्ड रेट्रो होकर अपने से दसवें घर में है, सप्तमेश दसवें घर में जब जाएगा वो भी उच्च का हो जाएगा, तो जो सामने वाले लोग हैं मामूली लोग इससे नहीं मिल रहे, और वक्री है तो बार बार मिल रहे, भाई साहब कह सकते हैं भाई, जी सर। तो किसी को भी कोई डाउट है देखो खोलने की कोशिश कर रहे हैं कुंडली को हम। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है, अब इसके छठे फोर्थ में भाव गया में। है, इसके फोर्थ में गया, अपने से तो टेंथ गया है, अच्छा, ओके, अब समझ में आया। मतलब अच्छा, जो उसका स्पाउस है उसके 10th में गया है। एग्जैक्टली, ठीक। किसी को भी कोई डाउट है देखो खोलने की कोशिश करेंगे कुंडली को, कि ये है कौन, ये खुद बताएगी अपने आप चिल्ला चिल्ला के कि मैं, ये मैं हूं, है ना। हम तो बस चार पांच चीजें पकड़ते चल रहे हैं इसकी, और अगर ये तुम लोगों ने समझ लिया ना ट्रिक कि भाई किस भी किसको हमने कैसे डिकोड कर लेना है, यार सेवन लॉर्ड उच्च का है, ये व्यक्ति खुद चलकर जाता है, सामने वाले लोग बड़े लेवल के हैं, बार बार आके इससे मिलना चाहते हैं, और ये मौके का फायदा उठाना चाहती है, जबरदस्त खूबसूरत है, एक से ज्यादा शादी कर सकती है, अफेयर कर सकती है, यहां तक हम हिंट आपको दे रहे, कुल दो ग्रहों से सर, माया। इसमें लगन करेगा या उनका स्पॉस स्पॉस करेगा क्या करेगा, सर? ये जो बार बार जाना है और ये औरों की ओर अट्रैक्टिव है, ये लाइफ ये टाइम के करेगी, लिए ये ये सोच करेगी, ये रही करेगी, ये करेगी, लग्नेश इज इन सेवेंथ हाउस भाई, ये करेगी ना, मौके का फायदा ही लेना चाहेगी, सामने वाले जीवन में बार बार आते रहेंगे, और उच्च दर्जे के लोग आते रहेंगे, जो कि इसकी शरीर पे यानी कि लगन पे दृष्टि है, और इसके कैरियर पे भी असर डालेंगे, इसके कर्मों पे भी असर डालेंगे, क्लियर, कोई डाउट किसी को। सर। अब एक और चीज देखो मजे की भाई साहब, फोर्थ लॉर्ड इज इन टेंथ हाउस एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस, क्या बताता है, चतुर्थेश दशम में बैठकर चौथे घर को देख रहा है,
उसका फोर्थ हाउस तो बहुत अच्छा हो गया, अपने ही घर को देख रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा घर होगा इसका, वेरी ब्यूटीफुल लाइक अ विला, बेहतरीन, अपने सुखों को देख रहा है सर। और सर घर इसके पुराना होगा, मतलब ओल्ड होगा सर, इनका पार्टनर इनसे तुम शनि की वजह से कहते हैं, लेकिन ये शनि इसका सेवेंथ लॉर्ड है, यानी इसके प्रेमी या पति भी इसे मकान देंगे, क्योंकि कंफर्ट को तो देख ही रही है, गाड़ी बंगले को देख ही रही है, या ले लेगी उनसे जो भी कहो। क्लियर है, कोई भी डाउट है? देखो लवर, लवर क्यों आ गया सर, कि लवर भी देंगे भाई, सेवेंथ लॉर्ड है ना, सातवां इसका पति प्रेमी जो भी कह लो, हाँ, हस्बैंड तो समझ आया सर, वो तो वो एक ही बात समझ लो। ठीक, अब एक और चीज है, प्रेम संबंधों का मालिक ग्रह कौन है? मंगल। कहाँ बैठा? प्रेम संबंध, ये बात क्या है? हर्ष तो क्लिक करने लगा भाई, कहाँ गया है? एट हाउस में, हिडन रिलेशनशिप, वेरी वेल, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया पकड़ रहे हैं। और ये मंगल, और उनसे उनसे फायदा भी होगा, ये मंगल धन और लाभ दोनों को देख रहा, क्लियर है? यानी ये छुपे हुए रिलेशन इस लड़की को धन और लाभ भी देंगे, कोई डाउट? डाउट नहीं सर, जुकाम भी हो गया सर, जुपिटर भी तो आया, उसका भी बताइए, अभी उस पर पहुंचते रहे हैं, अभी पहुंचते हैं भाई, पहले एक एक हर चीज को खिंच खिंच कर रहे हो तो गड़बड़ जाएगी। ठीक, यहां तक कोई डाउट है कि भाई इसको लाभ दोनों ये देंगे, गुप्त संबंध या इसके प्रेमी? ठीक है भाई, दिशा जी क्लियर है यहां तक मामला? अब आगे आ जाओ, जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर हेयर इज सिक्स्थ लॉर्ड एज वेल एज नाइन्थ लॉर्ड, फादर का व्यय, पिता का व्यय, तो इनके बारे में, पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है इनके, ये भी माना जाता है कि ये दत्तक थी या कहीं से किसी ने इसको हायर कर लिया था वगैरह वगैरह, लाइक दैट बातें की गई। ठीक, पिता का सुख नाम मात्र का रहा और बहुत दयनीय स्थिति में इनका जीवन गुजरा था बचपन में, उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, और इसने जो पत्ते बिछाए दुनिया इसके पीछे हो गई भाई सब। ठीक, अब यहां एक और इंटरप्रिटेशन आना है, विनस इज इन टेंथ हाउस, और विनस लेडी के केस में मेष राशि में है, मेष राशि किस चीज के बारे में बताती है? मंगल सर, बचपन, नयापन, कोई नई चीज नया करती है। अरे बॉडी का कौन सा हिस्सा दिखाती है सर? पूरा चेहरा, फेस। तो फेस वैल्यू इसकी इतनी थी कि उस समय दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके पीछे दीवाने थे। मेरे को समझ में आ गया आपने किसकी कुंडली लगाई है, ये सब जो चीजें बताई आपने, ये मार्लिन मनरो की है, मार्लिन मनरो की क्या बात है, न्यूटन जी ने बुल साई हिट कर दिया, ये मार्लिन मनरो की पत्रिका है। अब देखो इतनी बातों से इसने खुद बता दिया ना, ये कहने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं इतनी बात भी कहूंगा तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि यार कुंडली तो देखी गई है, सही ये है। ठीक, अब देखो ना कितना क्लियरली बता रहा है इसका कि ये खुद फायदा लेती है, सामने वाले बार बार इस पे मरते हैं, मामूली लोग नहीं है क्योंकि उचका है, प्लस चेहरे की वैल्यू को कैश करती है, प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त लेती है, गुप्त संबंध बनाकर प्रेमियों से पैसा ले लेती है। सर इनकी मदर को कैसे देखेंगे? मदर का हाउस देखो, मदर भी बहुत ऊंची है, मदर का लॉर्ड कहाँ है? मदर का लॉर्ड टेंथ हाउस में है, टेंथ हाउस में है। ठीक, यानी मदर ने कुछ नया कर्म जीवन में किया था, तो इनकी मदर के बारे में माना जाता है कि वो बहुत अच्छी डांसर थी और उनको किसी ने रख लिया था, उससे ये बच्ची पैदा हुई थी। फादर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी, नहीं, इनको तो उसमें रखा था ना, ये तो बहुत उसमें रही थी, वो जो फॉस्टर होम्स में, काफी दिक्कतें रही, तो कहीं सौतेले पिता वगैरह रहे इनके वगैरह वगैरह, लाइक दैट। वेरी बैड चाइल्डहुड, अच्छा नहीं था। ठीक, यहाँ पर एक चीज और समझने की है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, सेकंड लॉर्ड देखिए कहाँ है,
लाभ में, लाभ के घर में, बुध अदित्य लाभ के साथ है, यानी ये तो तय था कि पैसा बहुत कमाने वाली है भाई, धनी हो गए ना, विदेशों से भी आया होगा पैसा, पूरी दुनिया दीवानी थी भाई साहब इनकी। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो दिशा जी, राष्ट्रपति जो रहे हैं ना अमेरिका के, कैनेडी जो थे, कैनेडी वो इनके पिता थे। कैनेडी और उसके बाद फिर इसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से भी शादी की थी बाद में, ठीक, उससे भी बहुत पैसा लिया। इसकी यार्ड्स थी, यार्ड्स जानते हैं, समुद्री जहाज थे इसके। सर वो बताइए, इन्होंने सुइसाइड किया था ना, तो वो कैसे देखेंगे, शी कमिटेड सुइसाइड। सुसाइड बोला जाता है लेकिन हम मानते हैं एक्सीडेंटल डेथ का केस था इसका, कंट्रोवर्शियल डेथ थी। अच्छा क्यों क्यों पकड़ने की कोशिश करो ना, ड्रग, हाँ क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर मार्स, वो होता है एक्सीडेंटल डेथ का, और ये ड्रग भी लेती नहीं थी सर, यही कारण है जुपिटर नहीं करने देगा सुसाइड। सुसाइड के लिए मुझे कौन सा उस पर्टिकुलर चाहिए होता है, सर 8 नहीं और 3rd, थर्ड चाहिए होता, थर्ड साहस का काम है खुद को मारना, हाँ कोई ऐसे नहीं मारेगा अपने आप को। क्या आपको लगता है कि इसने खुद को मारा होगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 11th हाउस सन के ये साथ बैठा हुआ है, अब दिशा जी समझ में आ गई ना कुंडली, ये है, ये होना चाहिए, नहीं हो सकता यार, ये साला लाभ में बैठा है, ये मरने नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं, इसको रिस्क से लाभ मिलता और इसने रिस्क लिए लाइफ में, प्रेजिडेंट से पंगा ले लेना कोई मामूली बात है क्या, ठीक, इसने आत्महत्या नहीं की, ये एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हुई, या कुछ लोग मर्डर भी बोलते हैं वगैरह वगैरह, नशे की अधिकता के कारण कोकीन की गोली लेकर ये पानी में डूबी हुई पाई गई, जस्ट लाइक ए श्रीदेवी। सर एडिक्शन कैसे पता चलेगा इसमें से, ही वो एडिक्शन का कारक कौन सा ग्रह होता है, राहु, शनि सर, शनि की राहु पे दृष्टि होनी चाहिए, उसे प्रमोट करते, शनि की राहु पे दृष्टि होनी चाहिए, कुछ ऐसे ही कभी प्रमोट करता है। एडिक्शन का तो बुध साटर्न ही बताया था आपने, साटर्न ही बताया, बुध होता है, बुध बुध, किसी भी चीज का नशा कौन सा ग्रह देता है, सर मुझे तो बुध देता है, बुध देता है नशा। बुध किस नक्षत्र में है, चंद्रमा के सर, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, लगन, लग्नेश, बस तो कुछ कहने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत है, किसी ने इसको नहीं दिया, ये खुद नशा करती थी, ठीक है, और किस लिए करती थी समझने की कोशिश करना, किस लिए करती थी, बुध की पोजीशन देखो, बुध कहाँ है, लाभ के घर में, किसके साथ है, फेम के लिए करती थी, सन इज फेम, सेकेंड लॉर्ड भी है ना, सेकेंड लॉर्ड भी है, पैसों के लिए, ना 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 पैसों के लिए नहीं कहेंगे नशा, नंबर एक फेम के लिए करती थी, दूसरा परिवार के चक्कर में करती थी, दूसरा परिवार से दुखी थी, एग्जैक्टली परिवार के कारण की, परिवार से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि परिवार तो था ही नहीं उनका कोई, वो जो भी रही कंडीशन उसकी, ब्यूटी जबरदस्त थी, आज तक भी कहा जाता है कि आज तक भी लोग इनका नाम लेते हैं, मतलब उस लेवल पे थी, इंडिया की मधुबाला समझ लो इसको, अरे खास बात ये भी बोल रहे हैं, और इतना कष्ट भी रहा इनकी लाइफ में, तो हम नहीं 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 देखो 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 समझो, शुरू के चार घरों में अगर बदमाश ग्रहों का रिलेशन होता तो बचपन बहुत खराब जाता है, यहाँ आप देखिए शुरू का चार घर, शनि बैठे, शनि आ गया, वक्री होके, शनि उचका आ गया, वक्री होके बैठे, यानी कि कंफर्म कर रहा है कि शुरू के इसके जो साल रहे वो खराब रहे, और बुढ़ापा भी खराब जाता, क्योंकि शनि चौथे घर में बुढ़ापा खराब देते हैं ना, दसवें को देख रहे होते हैं, ये माना जाता है शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है, तो इसको ये क्लियर था कि आगे इसकी दुर्गति तय है, या आगे इसको मतलब बहुत दिक्कतें आने वाली, क्योंकि कैरियर इनका ढलने लगा, क्लाइंट्स कम होने लगे, प्रेसिडेंट से इनका पंगा हो गया, ठीक, तो फिर इन्होंने मतलब बोलते हैं कि इन्होंने खुद ज्यादा गोली खा ली या एक्सीडेंटल खा ली, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये सुसाइडल कंडीशन मुझे नहीं दिखती, मे बी इसका एक्सीडेंटल मर्डर कर दिया गया हो, या खुद ये नशे में मरी गई हो, लेकिन आत्महत्या तो नहीं, इनके बच्चे भी हम कह सकते हैं सर, इनके बच्चे भी छुपे हुए हैं,
समझदार हो लेकिन छुपे हुए भी हैं या नहीं भी हैं, हम कह सकते हैं सुख नहीं था ना बच्चों का, वो गड्ढे में चले गए ना। ये भी कह सकते हैं कि ये जितना साहस करती थी इनको उतना लाभ होता था। 100% मैं पहले ही मैंने तुम्हें बोला कि खुद जाके अपॉर्चुनिस्ट थी, बहुत बड़ी है, सामने वाले आदमी को प्रपोज कर देती थी फौरन कि मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, अगला क्या बोलेगा, वो उचका आदमी होता था, मामूली आदमी था नहीं, कंफर्ट जोन था उसका तगड़ा। तो आप देखो ना, प्रेसिडेंट उस समय दीवाना था इसका, कैनेडी का। सर शुक्र तो इन्होंने बहुत खराब कर लिया अपना, फिर इस तरीके से आगे के लिए तो खराब हो गया है ना। तभी तो कह रहा हूं कि इसीलिए तो इसने अपने आप को मारा ना। अब शुक्र को देखो ना कहां है, मेष राशि में, नई चीजें एक्सपेरिमेंट की ना इस व्यक्ति ने, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको आपको एक ऐसी भूमिका बता दो मुझे मार्लिन मुनरो की, जिसमें कहा जाए कि यार ये इसने जबरदस्त एक्टिंग की, कोई नहीं बोलता था, सिर्फ ये बोलते थे इसने बॉडी बहुत अच्छी दिखाई, अंग प्रदर्शन, समझे, अंग प्रदर्शन। अब अंग प्रदर्शन किस हिसाब से देखोगे इस घर का आप? लग्नेश की जगह है सेवेंथ हाउस में, इमेज हाउस में, लोगों को दिखाने की जगह में, प्लस एट लॉर्ड, एट लॉर्ड कैरियर को देख रहा है शनि, तो वो हिस्से जो आप दिखाना नहीं चाहते ये दिखाएगी और इसने दिखाए, ठीक है।